दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता। अगर ये रिश्ते के लिए अगर आपकी बात नहीं बनी तो मान के चलिए आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिस हो सकती। बस इस रिश्ते के लिए दोस्तों जो एक शर्त है, उस शर्त को आप नोट डाउन कीजिएगा कि आप किसी भी प्रकार के, यदि आप नशा करते हैं तो, अगर आप नशा करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये साफ स्पष्ट तौर पे इनके तरफ से मना किया गया है। आइए दोस्तों रिश्ते की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रिश्ते में वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी जिसके लिए इंसान दर बदर भटकता रहता है, लेकिन मैप के माध्यम से रिश्ता आपको खासकर प्रोवाइड किया गया है। यदि आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए आप पहले सुन लीजिए, जानकारी ले लीजिए अच्छे से। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए कंफर्टेबल और सुटेबल है, तो इस रिश्ते के लिए आज आपको ज़रूर कोशिश करना चाहिए। और इसका जो नंबर है दोस्तों, मैं नीचे आपको दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा जुकाम हुआ है इसकी वजह से जो मेरी वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है, तो आप माफ़ कीजिएगा उस चीज़ को लेकर। आइए बात करते हैं दोस्तों, मैम की जो एज है ये 45 साल की इनकी उम्र है, और इनकी 14 साल की एक बेटी है, एक बच्ची, जो आप पिक्चर में फ़ोटो में देख सकते हैं कि 14 साल की इनकी बेटी है, इनकी उम्र 45 साल है। अगर आप बच्ची को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इनसे शादी कर सकते हैं। ये एमकॉम की बीटेक के बाद दोस्तों एक कोर्स होता है जिसको इंजीनियरिंग का कोर्स कहते हैं, बीटेक के बाद होता है एमकॉम, तो इन्होंने एमकॉम भी किया है। और एक कह सकते हैं कि आप ये गवर्नमेंट बैंक मैनेजर के जॉब पे काम करती हैं, ये एक सरकारी बैंक मैनेजर है दोस्तों, सरकारी जैसे SBI वगैरह बैंक जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनके अंदर में ये मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है। हर महीने इनकी जो सैलरी है वो है 80,000 रुपये, तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की लेके इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके पास घर बार भी अच्छा है, गाड़ी वगैरह भी है। 80,000 रुपये महीने की इनकी सैलरी है, 45 वर्ष इनकी उम्र है। फर्स्ट आदमी से इनका तलाक होके आज 12 साल हो गया, 12 साल पहले इनका तलाक हो गया था फर्स्ट मैरिज को लेके, और उसके बाद से इन्होंने कोई दूसरा शादी नहीं की है। फाइनली अभी ये एक सेकेंड मैरिज करना चाहती है। हाँ, कौन कौन रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकता है वो जानना ज़रूरी है। यदि आप तलाकशुदा हैं, आपकी शादी हो गई थी और वापस आपकी शादी में तलाक हो गया, या आप तलाकशुदा है तो आप भी कर सकते हैं। यदि आप बच्चे वाले हैं, आपके पास 2-1 बच्चे हैं, फिर भी आप रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, घर जमाई आप में से बहुत सारे लोगों की जो डिमांड आ रही थी कि सर घर जमाई घर जमाई घर जमाई रिश्ता हो तो बताइए प्लीज़ प्लीज़, तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत अच्छा ये ऑफ़र है। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं छुपा नहीं रहा हूँ, हाइड नहीं करूँ, ये डायरेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द इस रिश्ते के लिए बात कर सके। तो जानकारी लेके पूरा बात कीजिए, अदरवाइज नुकसान आपका ही होगा। तो इनकी जो एज है दोस्तों, हाँ, घर जमाई यदि आप रहना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। और रिटायर्ड कोई नौकरी पेशे वाला है या कोई कारोबारी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर हैं, कोई एक बड़े बिजनेसमैन कारोबारी है तो भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। शिक्षा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इनके तरफ से कहा गया है कि आदमी अगर कम पढ़ा लिखा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी वो इंसान भी अप्लाई कर सकता है। जाति बंधन किसी प्रकार का कुछ नहीं, आप किसी भी जात के किसी भी कास्ट के लिए हैं आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक बात दोस्तों आप नोट डाउन कीजिएगा, यदि इस वीडियो को आप 1 हफ्ते के बाद देख रहे हैं, आज जो डेट है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, आज 13 मार्च 2023 है, 13 मार्च से आप इस रिश्ते के लिए बात आप 20 मार्च तक कर सकते हैं। 20 मार्च के अगर बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ बात मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर भी इनका रिश्ता कहीं फिक्स हो जाए। फिर आप अगर उस नंबर पर फ़ोन करते हैं तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में क्रिएट करेंगे या उनको तकलीफ देंगे। तो दोस्तों इस बात का आप नोट डाउन रखिएगा कि 20 मार्च के बाद आप फ़ोन करने की कोशिश ना करें। हालांकि आप 1-1.5 महीने बाद और भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता रिश्ता कब किसका फिक्स हो जाए। रही बात दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आज आप ये वीडियो जो देख रहे हैं आप में से कुछ लोग 2-4 महीने बाद या 2-4 हफ्ते बाद देखें इस वीडियो को, और तब अगर जब आप कोशिश करेंगे तो आपका जब बातचीत नहीं होगा तो आपको लगेगा कि सर जो
वीडियो में रिश्ते की बातें करते हो फेक होती है, फ्रॉड होती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का वजह या कारण आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आइए मैं स्पष्ट करता हूँ आपको, थोड़ा जुकाम हुआ दोस्तों, आइए मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कोई एक आज रिश्ते की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अगर आप उस पर फ़ोन करते हैं 6 महीने बात करते हैं या सेम उसी टाइप करते हैं 2-4 दिन बात करते हैं, तो क्या होता है कंडीशन दोस्तों, एक जो रिश्ता है एक रिश्ते के लिए एक दूसरा ही रिश्ता ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों जब मैंने कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर उसको एक दिन में 2000, 1000, 3000, 4000 लोग अगर देखते मान लेते हैं, एक वीडियो को अगर एक दिन में 1000 लोग देख रहे हैं, तो ये सारे 1000 लोग अगर उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से किसी एक व्यक्ति का ही रिश्ता फिक्स होगा। अगर 1000 में से अगर 100 लोगों ने भी फ़ोन किया, मैसेज किया कि शादी के लिए, तो उसमें से किसी एक का फिक्स होगा। जो 99% ऑडियंस है, जो 99 जो रिश्ते हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका रिश्ता यहाँ पर नहीं होगा, उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो उनको क्या लगेगा कि वीडियो में बताई गई बातें फेक है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का कारण आप नहीं समझ पाते। जैसे आप हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जैसे वीडियो आप अपलोड करेंगे, इसकी जो नोटिफिकेशन, इसकी जो जानकारी सबसे पहले आपको पहुंचेगी। और जब सबसे पहले जानकारी आपको पहुंचती, तो जब सबसे पहले आप बात करेंगे, तो आपकी संभावना यहाँ पे 90% होती है कि रिश्ता आपके साथ में फिट हो जाए। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंस है। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ऑन द स्पॉट आपको मिले, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके अभी आप रख लीजिए। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर सेट कीजिए। और दोस्तों दोस्त यार फैमिली मेम्बर्स के साथ में दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर अपनी शादी या नहीं करना चाहते, अपने जान पहचान दोस्त यार फैमिली मेम्बर्स, कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी समय से कोशिश करें, तो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को सेंड करके भेज करके उनको आप बता सकते हैं कि कहीं रिश्ते में रिश्ते की बातें की जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे दोस्तों उनके जीवन में अगर लाइफ पार्टनर आता तो आपके ही ज़िंदगी भर ऐसा मत होंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगी।